हेलो दोस्तों, असम की आशा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आयुष क्यों नहीं स्कूल जाना है बोलो? अच्छा नहीं लगता। क्यों? Are you serious? तो नहा लिए हो ना? अभी भी बहुत जोर से डरते। क्या कर रहे हो? टिफिन निकाल दो बाबू, स्कूल चले जानो। ये देखिए, मैं ये ड्रेस और सारा निकाल ली हूँ। ये इसकी ड्रेस है लेकिन ये नहीं पहन रहा। इधर है। अच्छा, पेट दर्द कर रहा है तो कोई टिफिन खाता है? आयुष, पेट दर्द कर रहा है ना आपका? हाँ। तो पेट दर्द करने टिफिन कौन खाता है? मैंने खाया नहीं। अच्छा, कहाँ पे पेट दर्द कर रहा है बता दो तो सबको बता। यहाँ और कहाँ कर रहा है? और कहीं नहीं। अच्छा, पनीर रोल इंजेक्शन लगवा दो। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो इंजेक्शन लगाने के लिए चल, कल इसको भेजूंगी। कल तेरी सार कोई नहीं आता, मैं डॉक्टरों के पास ले जाकर इंजेक्शन लगवाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं मिलती हूँ, जा रही हूँ फटाफट काम करने। ये तो गया नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। आयुष तो आज स्कूल गया नहीं लेकिन बस का वेट कर रहा है अपने दोस्तों को बाय बाय करने के लिए। और यहाँ पर है ये हम लोग का बाड़ी। यहाँ पे हर चीज का पेड़ है। ये देखिए, नारियल का है, ताबूल का है, आम का है, केले का है। वो एक सब कुछ दिखाऊंगी। और यहाँ पे नारियल सब तोड़ रहे हैं तो पिताजी फटाफट उठा रहे हैं। नारियल तोड़ने में तो बहुत मेहनत है, इतने सारे नारियल टूट गए हैं। अभी और एक पेड़ है उस पर तोड़ाने जा रहे हैं हम लोग नारियल। सूख गया है नारियल, बहुत ऊंचा है ना तो हम लोग तोड़ नहीं सकते ना, बुलाना पड़ता है किसी को तोड़ने के लिए। सुबह का समय है, अब मैं जा रही हूँ। ये देखिए कितने कपड़े धोने मेरे पे, ये देखिए। और मैं ये सारा रूम ठीक कर ली हूँ अपना, इस तरह से सब ठीक कर ली हूँ। अब थोड़े से डस्टिंग बाकी है, वही जा रही हूँ करने। यहाँ पर है अंकिता जो कि अपनी स्कूटी धुलाई कर रही है बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि कब से रोहित को बोल रही थी कि रोहित धो दे तो नहीं बोला, नहीं चलाती है तू ही धो, मैं तो नहीं चलाता हूँ। तो ये दोनों भाई बहन का झगड़ा तो ऐसे ही चलता रहता है, तो ये अपना स्कूटी धो रही है। तो ये है नारियल, आप लोग दिख रहे हैं ना, इतने ही है। जो भी टूटे थे नारियल सब लेकर बिक गए हैं और यही बचे हुए हैं। आज आयुष स्कूल नहीं गया तो इसकी शैतानी शुरू हो गई है और बहुत ही खुश नजर आ रहा है। देखो मम्मी ने अपने हाथ का क्या किया। अरे चूड़ी पहन के जल्दी कट गई, देखो कैसे कट गया। अब जारू लगा लेती कुछ दवाई। ये देखो मम्मी ने क्या। और ये बोले आयुष को लेकर आओ, वो तो सुबह सुबह नाटक। ये रहा आयुष, ये रहा आयुष, बस आ गई। अब मैडम आ रही है, बोले कि आयुष को कहाँ पेट दर्द कर रहा है। तो मेरे स्कूटी का ये टूट गया। अच्छा हुआ ये मैंने टाइम पे देख लिया, वरना मैं पलटी खा के गिरती। तो अभी इसको जा रही हूँ ठीक करवाने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ अपने उधर, थोड़ा आगे स्कूटी थोड़ा ठीक कराऊंगी। और आपको मेन किस्सा नहीं पता है ना स्कूटी का? ठीक है, ये ठीक करा के आके फिर मैं आपको बताती हूँ हमारा मेन किस्सा। हाँ। पापा ने वो देख लिया। हाँ हाँ, ये अब इसको करना पड़ेगा कुछ इसका ठीक। देखो अब लगाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ का था, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कहाँ का निकला हुआ है। ये अंकिता तो ऐसे तैयार होके जा रही है बढ़िया से। देखो मेकअप दिखा सबको, अच्छा मेकअप की है, अच्छा की है, अच्छे से बनवा के लाना देख हो करके। ठीक है, वो तो पापा ने देख लिया। ये अंकिता और रोहित जा रहे हैं स्कूटी अपना बनवाने। दुकान का भी कुछ सामान लाना है, ये अपने दादाजी के लिए ला देगी। माँ, ला देना अंकिता। इसको बोलना दूसरा। आ इसको क्या चाहिए बता? जूस का बोतल। इसको जूस का बोतल चाहिए, क्यों? पेट दर्द कर रहा ना आयुष, पेट दर्द। नहीं नहीं, पेट दर्द में नहीं खाते थे।
बना के आ गई है, इसका हालत क्या कर दी है। नया स्कूटी हम लोग खरीद के दिए इसको नया, वो भी सर खा रही थी। हम लोग जा रहे थे यहाँ से जाके वो टर्निंग पे मेरे को गिरा दिया इसने, ऐसा गिराया मैं क्या करी, फटाक से कूद गई और स्कूटी गिर गई। ये शुक्र है भगवान का चोट नहीं आई किसी को, लेकिन इसकी स्कूटी का शीशा टूट गया एक। नंकिता कैसे गिरा स्कूटी? अरे एक्चुअली हुआ क्या था, लॉकडाउन के बाद मैंने अचानक से स्कूटी निकाल लिया, ठीक है। मैंने उसमें चेक नहीं किया इसका ब्रेक ठीक है या सब कुछ ठीक है या नहीं, और स्कूटी रखे रखे उसका ब्रेक कुछ जंगमंग लग गया था। तो अचानक से मैंने निकाल दिया और उसका ब्रेक फुल टाइट होके रखा था, और पता नहीं मैं गई आगे मुर्गी आई, मैंने ऐसे ब्रेक लगाया ही कि ढेर नीचे, क्योंकि मैं मम्मी तो जब मम्मी बच गई, मैं पता है क्यों बच गई, मैं कभी भी स्कूटी या साइकिल पे तो कम बैठी हूँ, लेकिन स्कूटी जब भी बैठती हूँ ना ऐसे करके बैठती हूँ कुछ भी हो जाए फटाक से कूद जाती हूँ। मैंने कूद लिया इसलिए मैं बच गई, ये भी बच गई, बस इसका स्कूटी का हालत खराब हो गया था। हाँ, और मेरे को तो लगा था थोड़ा आगे बैठी थी ना, मेरे को थोड़ा लगा था, और मम्मी और उसका शीशा भी टूट गया, मैं तो डर गई। और मैं तो पहले देख रही थी वो बहुत गंदा वाला पोपट हुआ रास्ते में मेरा सब देख रहे थे, मेरा पोपट तो बन ही गया था, इसके पापा ही धीरे से देख रहे थे, बोल रहे थे आज तो ये लोग अच्छा, वो किसी को चोट नहीं लगा। पता है क्या है, एक ये है जब स्कूटी चलाती है ना, जब भी स्कूटी चलाती है या तो इसके बीच में कोई गाय आ जाएगी, कोई कुत्ता आ जाएगा, कुछ भी आएगा ही इसके साथ, होता ही कुछ ना कुछ आती रहता है, पता नहीं क्या है, क्या शनि ग्रह है ना क्या है मालूम नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके ही चलाना चाहिए या कभी भी स्कूटी पे बैठना चाहिए, सावधानी पर ही बैठना चाहिए। हाँ, तब से तो मैंने ये चीज नोटिस कर लिया, जब भी स्कूटी चलाओ ना एक बार चेक कर लेना चाहिए अच्छे से। मैं जा रही हूँ कपड़े उतारने, और छत के ऊपर आयुष भी है और रोहित भी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देखती हूँ ये दोनों क्या शैतानी कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और कपड़े भी उतार लेती हूँ। क्या कर रहे हो दोनों? मैं भी जंप बनाऊंगा। क्या स्कूल नहीं जाके क्या कर रहे? हेलो, सबको थोड़ा सा गिटार बजा के सुना देना रोहित। मैं एक धुन सीख रहा हूँ, उसको मैं आपको बस थोड़ा सा बजा के सुनाऊंगा, उसके बाद आप कॉमेंट में लिखिएगा कि मैं क्या बजा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये कौन सा गाना था कमेंट करने जरूर बोलना। ये कौन सा गाना था बता देना भाई। अच्छा एक और धुन सुना दे, एक छोटा सा एक लाइन का सुना दे बस, एकदम सुरीला। और ये वाला भी गाना कौन सा था कमेंट करना। शाम हो गई है दोस्तों, उसको ट्यूशन भेजना है, बहुत सारे काम है, स्कूल तक गया नहीं है, नाटक कर दिया, आज इंजेक्शन इसको लगवाना बाकी है, अभी कल से करें, मेरा पेट दर्द कर रहा है। अंकिता बैठ के नीचे पढ़ाई कर रही है और मैं बोलती भी जा रही हूँ आप लोगों को और मैं अपना काम भी कर रही हूँ फटाफट, नहीं तो ये लेट हो जाएगा। अरे कौन लेट होगा? अच्छा कौन लेट होगा? फिर एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग नहीं करना, छोड़ मुझे काम भी नहीं करने दे रहा, तो मैं वीडियो में यही एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।